हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन CUET 2024 की स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो सैम्पल पेपर हम कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने आपको याद हुआ कि सैम्पल पेपर यहाँ तक कर लिया था। जैसे इसमें पूछा गया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैंने इसके बारे में आपको क्या बताया था, मैंने ये कहा था कि कभी भी आपको जैसे कोई फंक्शन आपके सामने दिया गया है, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस इक्वल टू जीरो और ए ग्रेटर देन जीरो टाइप है, तो ये इस तरीके से ऊपर की ओर खुलेगा और यहाँ जो इसकी वैल्यू मिलेगी, जिस पॉइंट पर मिलेगी, किस पर मिलेगी, मिनिमम वैल्यू माइनस बी अपॉन टू ए पर वैल्यू मिलती है, और वैल्यू जो होती है मिनिमम वो होती है माइनस डी बाई फोर ए। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है, चाहे दोनों के लिए ये मैं लिखी भी देखिए माइनस डी बाई फोर ए, ओके एंड माइनस डी बाई फोर ए, ये देखिए तो ये इसका करेक्ट आंसर है। माइनस डी बाई फोर ए वैल्यू होती है, माइनस डी बाई फोर ए इसकी वैल्यू होती है, ओके और जो वैल्यू किस पॉइंट पर, एक्स के किस पॉइंट पर, माइनस बी अपॉन टू ए पर। तो एक गजब शॉर्ट ट्रिक का काम करती है, आपका काम आसान करेगी, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो क्वेश्चन मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जो बहुत ईजी हैं, तो उनको मैं होमवर्क देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी, इसको आप करके लाइए, ओके। देन इसके बाद ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ईजी है, एफ ऑफ ई टू द पावर टू एक्स है ना, और ए माइनस वन और ई की पावर टू एक्स प्लस वन। सो ये भी आपका होमवर्क है, इसको करिए। देन ये एक डिफरेंशिएशन है, कैसे करते हैं, एक वन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, ओके। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, ई की पावर लॉग में बैठा हुआ है, ये भी आप होमवर्क है, इसको करके लाइए। ये थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया है, इसको मैं आपको कराता हूँ कैसे करते हैं ये क्वेश्चन, देखिए इसको समझिए अच्छे से। कह रहा लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी द ट्वाइस डिफरेंशियबल फंक्शन इन 0 to 2, मतलब दो बार इसको डिफरेंशिएट किया जाता है। कह रहा सच दैट एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू जी डबल एस एक्स, यहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो गिवन क्या है, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू जी डबल डैश एक्स, डबल डेरिवेटिव इक्वल है कि दोनों तरफ का आप इंटीग्रेशन ले लो, एफ डबल डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी डबल डैश एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट आएगा सी वन ले लो, इसको सॉल्व करोगे ये एक बार इंटीग्रेट हो गया एफ एक्स आएगा, ये जी डैश एक्स आएगा और प्लस कितना सी वन, इसको नंबर वन दे दिया। अब देखिए कंडीशन क्या है कि एक्स इक्वल टू वन पर ये वैल्यू फोर है और जी वन पर ये वैल्यू सिक्स है, तो एक्स इक्वल टू वन पर यदि मैं ये वैल्यू पुट करूँ तो एफ डैश वन ये कितना हो जाएगा, फोर इक्वल टू ये है सिक्स प्लस सी वन, तो सी वन इक्वल टू फोर माइनस सिक्स दिस इज इक्वल टू माइनस टू। तो यहाँ से मेरे पास बाई वन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन डेवलप हुई, एफ डैश एक्स इक्वल टू जी डैश एक्स माइनस का टू हो गया, ठीक है ना, ये इक्वेशन मेरे पास आ गई, एफ डैश एक्स इक्वल टू जी डैश एक्स माइनस टू। अब एक बार फिर से इंटीग्रेट कर दो तो कुछ नया मिलेगा हमको, यदि हम इसको फिर से इंटीग्रेट, इसको नंबर टू या कुछ भी ना भी लें, इसको इंटीग्रेट में कर दूँ डायरेक्टली, तो एक तरफ क्या है एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इधर बन गया जी डैश एक्स का इंटीग्रेशन, इधर बन गया माइनस टू का इंटीग्रेशन और प्लस नया कांस्टेंट सी टू मैं यूज़ करता हूँ, तो क्या बन गया ये एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स और माइनस का टू एक्स प्लस सी टू मान लिया ये। अब देखिए एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी सारी चीज़ें, तो आपको एफ एक्स की वैल्यू बतानी है कि एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए एफ एक्स अब कंडीशन क्या दी हुई है हमारे पास, एफ डैश टू इक्वल टू थ्री एंड जी टू इक्वल टू, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है, एफ डैश टू इक्वल टू थ्री नहीं होगा, ये एफ टू इक्वल टू थ्री होना चाहिए, ठीक है ना, कितना होना चाहिए एफ टू इक्वल टू थ्री, यहाँ पे डैश नहीं होगा, ओके तो एफ टू इक्वल टू थ्री है, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू टू पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा एफ टू इक्वल टू जी ऑफ टू माइनस टू इंटू टू, एक्स की जगह टू तो हो गया फोर प्लस सी टू, तो एफ टू की वैल्यू थ्री है, जी टू की वैल्यू नाइन है, नाइन माइनस फोर प्लस सी टू, तो नौ में से चार गए पाँच और इधर जाएगा पाँच माइनस होगा, तो सी टू इक्वल टू कितना हो गया माइनस थ्री, तो सी टू की वैल्यू यदि मैं यहाँ पे पुट कर लूँ, इक्वेशन नंबर बी ले लेता हूँ और बी में यदि मैं वैल्यू पुट करता हूँ सी टू की, तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स माइनस टू एक्स और इसकी वैल्यू माइनस थ्री आ चुकी है मेरे पास, ठीक है ना, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, वैल्यू तो सही आई है, एफ टू की वैल्यू थ्री है, ठीक है ना, जी टू की वैल्यू कितनी है नाइन है और यहाँ पे माइनस टू एक्स हो गया था, तो टू टू ज़ा फोर, बिल्कुल सही है, तो नाइन में से फोर गए माइनस का फाइव, सॉरी फाइव,
एंड फाइव, थ्री माइनस फाइव माइनस टू आएगी, सॉरी यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, माइनस टू, तो टू एक्स और यहाँ पे माइनस टू। अब सही है एकदम। हमसे क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि देन वैल्यू ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स एट एक्स इक्वल टू फोर, मतलब हमें एफ एक्स माइनस जी एक्स चाहिए, तो इस एक्सप्रेशन को इधर ले जाओ, तो ऐसी तो एफ एक्स माइनस जी एक्स कितना बन गया हमारे पास, माइनस ऑफ टू एक्स माइनस टू, ये बन गया मेरे पास एफ एक्स माइनस जी एक्स। हमसे किस पर वैल्यू बोली जा रही, फोर पर, एक्स इक्वल टू फोर पर, तो एक्स इक्वल टू फोर पर एफ फोर माइनस जी फोर, माइनस टू इंटू फोर कितना हो गया, माइनस एट और माइनस का टू। ओके, तो इसकी करेक्ट आंसर कितनी आएगी, माइनस टेन। इसकी जो करेक्ट आंसर आपके पास बनेगी वो कितनी बनेगी, माइनस टेन, और ऑप्शन में भी देख लो आपके पास माइनस टेन अवेलेबल है यहाँ पे, सो करेक्ट आंसर हो गई इसकी माइनस टेन, डन। ओके गाइस, तो ये एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चन आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, जैसे ये पर्टिकुलरली क्वेश्चन है ये आपको मैं एज अ होमवर्क दे के जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको भी आप लोग लगाइए और कमेंट बॉक्स पे आंसर बताइए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये भी आपका होमवर्क है। देन इसके बाद एक क्वेश्चन आपका ये है, ओके, ये भी आपका होमवर्क है, इसको भी करिए सॉल्व। यस, ये क्वेश्चन भी आप इसको करेंगे, इफ़ द एरिया अबव द एक्स एक्सिस, ये वाला, तो इसका एरिया निकालिए। ओके यस, लीनियर इक्वेशन है, तो ये इसमें आपको बताना है कि पी वाई इक्वल्स टू क्यू, देन पी की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। सो ये क्वेश्चन भी होमवर्क है, काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने शीट में डाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हम आपकी क्लास को आज को फिनिश करते हैं, क्योंकि पूरा सेशन यहाँ पे समाप्त हो गया और हमारा सैम्पल पेपर भी ख़त्म हो चुका है। सो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और करके लाइए क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर, एलिमेंट्री स्टडी जोन।